प्रेम की नदी में एक बार डुबकी लगा दोगे तो प्रेम ही बन जाओगे, अब दूसरी कुछ चीज़ रहेगी ही नहीं देने के लिए, तो दोगे क्या आप? तो यही हो गई, और बस इसकी ट्रीटमेंट यही है और कुछ नहीं है। और यहाँ तक पहुँचने से कुछ बदलाव ऐसा कि मैं ऐसे हो जाऊँगा ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखना है। बस दुख से मुक्ति मिल गई और अपने स्वरूप में आप वापस आ गया, आप सबसे प्रेम करोगे अनकंडीशनली निस्वार्थ भाव से, अपने परिवार से अच्छा से रहोगे आप, बिजनेस नौकरी कर रहे हो तो बहुत अच्छा से करोगे आप, बहुत ही अच्छा से करोगे, दैविक गुण आ जाएगी बस। और देवी देवता की साधना नहीं करना है, उधर जाना नहीं है, उसके ऊपर में मैं कभी बताऊंगा मूर्ति पूजा देवी देवता की गहरी, उसका विज्ञान क्या है, कोई भी प्रश्न पूछोगे उसके विज्ञान को हम बता सकते हैं। तो आप लोग भी जो लोग चाहते हैं कि मैं इस जर्नी में ध्यान करूं, मुझे भी दुखों से मुक्ति पाना है, फोकस कंसंट्रेशन आ जाए, 4 घंटा पढ़ूं और मुझे लगे कि मैंने 4 मिनट पढ़ा, बाहर और अंदर हर तरह से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो, तो यही रास्ता है। और बाकी रास्ता मेरे गारंटी है, पृथ्वी के कोई भी देश पे जाके घूम कर आ जाओ, कहीं से कोई आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को आज इस मार्ग पे आना है, उनको मैं आज इनिशिएट कर लूँगा। इनिशिएट करने के साथ ही साथ आज के बाद आपका और हमारा संबंध एक बन जाएगा। जब भी आपका नेक्स्ट टाइम कहीं भी ध्यान मेडिटेशन का कैंपिंग होगा, बहुत प्रक्रिया रहेगी आपका, बॉडी को प्यूरीफाई करने के लिए, माइंड को प्यूरीफाई करने के लिए, नाड़ी को शुद्ध करने के लिए कुछ योगा प्राणायाम का भी कुछ रहेगा, वो दूसरे लोग कराएंगे, मैं नहीं कराऊंगा। मैं गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा, कभी इस तरह से मेडिटेशन कराऊंगा, आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट्स, कोई भी चीज़ हो उसको दूर करने के लिए मैं अपनी तरह से उसको पूरे प्रयास करूँगा। और कभी कभी ध्यान यहाँ पर होगी, कभी कभी मैं कोई अलग जगह पर होगा, आगे चलकर हमारा जैसे ये सब बढ़ते जाएगा, कभी परशुराम कुंड पे होगा, कभी कहीं पे होगा, कहीं कहीं पे होगा। और हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होगा, हमने स्टार्ट कर दिया कि कोई बाहर से लोग एक दो आते रहते हैं, तो आज उनके लिए अगर हम रास्ता अगर प्रदान नहीं करेंगे तो फिर वो भटक जाएंगे, तो इसीलिए हमने यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और बहुत जल्द हम बाहर में कोई बड़ा हॉल या जगह हम जोरहाट में देख रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो वहीं से हमारा ध्यान के स्कूल या आश्रम बोले या मंदिर बोले या जो भी बोले वो संपूर्ण स्टार्ट होगा। और मैं भी इस प्रोफेशन से अभी जो भी मैं 1-2 क्लासेस ले रहा हूँ यहाँ से, मैं आने वाला 6 महीना मैक्सिमम इस के अंदर ही पूरे संपूर्ण रूप से इसको क्विट कर रहा हूँ। और क्विट करके पूरे के पूरे मेरे जो जीवन है निस्वार्थ भाव से सिर्फ इसके लिए ही, उन लोगों के लिए जो लोग मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए पूरे अपने जीवन को समर्पण कर दिया हूँ पूरे के पूरा। अब इसमें मैं पैसा कमाना, नेम फेम कमाना का बात नहीं होता है, इसमें नेम फेम नहीं, नेम फेम पाने वाला सब दुख में रहता है, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये लोग सब अंदर से दुखी है, ये लोग आनंदित नहीं है, क्षण भर के लिए आनंदित हैं वो, ठीक है। और नेम एम फेम क्या है, ये तो मन का कल्पना है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, तुम्हें कोई तारीफ करे तो अंदर देखो मन में कहीं रसगुल्ला लड्डू फूट रहा है क्या, फूट रहा है तो तुम्हारा दुख का कारण है, दुख का वही कारण बनेगा, क्योंकि अभी भी आपका खुशी के कारण बाहर है ना, कल तारीफ नहीं करेगा तो क्या हो गया। और कोई भगवान देवी देवता का फोटो आ रहा है इमेजिनेशन में, कल नहीं आएगा तो दुखी हो जाओगे। तो जिसको भी अभी बाहर वहर जाना है आप बाहर आ सकते हो, जो लोग भी इनिशिएशन किसे कहा जाता है वो भी समझा दे रहा हूँ, पहले सोच लेना है। इनिशिएशन ये चीज़ है जिसके साथ एक बार वो इनिशिएशन हो गया लोग सुन लो थोड़ा सा, ये जो दिया जल रही है और एक जो दिया है इसमें भी तेल और ये हम डाल देंगे वो उसका कटन, उसको जलाने के लिए इस दिया के पास लाएंगे तो हम जला सकते हैं, एक तो ये जला सकते हैं हम, तो इसको इनिशिएशन नहीं कहा जाता है, याद रखना है।
इनिशिएशन बस आपको एक टच दिया जाएगा जो कॉस्मिक ऊर्जा आपके अंदर समा जाएगी और वो ऊर्जा आपको फिर आपके दुखों का मुक्ति का वहाँ तक लेके जाएगी, गाइड करेगी। वो स्वयं यूनिवर्सल ऊर्जा होती है। बहुत कम उम्र के लोग हैं, किसी किसी को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और एक होती है इस दिया से दूसरे दिया को जला देना, उसको अध्यात्म में कहा जाता है शक्तिपात। ये भी समझा दे रहा हूँ क्योंकि आपका माइंड से मैं इसको भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। शक्तिपात वही कर सकते हैं जो लोगों के पास में परम सिद्धि प्राप्ति है, जो सिद्ध गुरु होते हैं। सिद्ध गुरु शक्तिपात करने के साथ ही साथ आपको आत्म साक्षात्कार करवा देंगे, जो कि कृष्ण को गुरु संदीपनी ने करवाया, राम को गुरु वशिष्ठ ने किया, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण ने किया। उन लोगों ने ही इनिशिएट किया था। उनके सब गुरु, कृष्ण के तीन गुरु थे, राम के दो गुरु थे, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने इनिशिएट किया। तो कभी कभी सब कुछ तैयार होता है तो साथ ही साथ हो जाता है, और किसी का बस जब साथ ही साथ तैयार हो जाएगा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। मेरा कर देने तैयार हो जाएगा तो मैं खुद ही वापस बस चला जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं तो अपने आप ही हो जाएगा। देखूंगा अपने आप में होने में कहीं बाधा आ रहा है, कहीं एनर्जी आके अटक गया तो जाया जाएगा, नहीं तो अपने आप। तो शक्तिपात, एक कैंडल से दूसरी कैंडल हम जला सकते हैं, इसको शक्तिपात कहा जाए। ये सब बातें किया भी नहीं जाता है, लेकिन आप लोग कोई चीज़ छुपा नहीं रहेगा ना, यूट्यूब पे निकल ही जाता है। तो कुछ कुछ गुरु लोग शक्तिपात करते हैं, वो उनके लिए होता है जो बहुत तैयार हो गया है, थोड़ा से छू देने से हो जाएगा, और नहीं तो वो 4 साल 5 साल ध्यान करते 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 उनका बुद्धि पकड़ नहीं पा रहा है गुरु का बात, यहाँ यहाँ ऊपर जा रहा है, चंचल ही है, बातें कर रहे हैं इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बकवास लग रहा है। ऐसे भी होता है ना, मूड बुद्धि का लोग भी होते हैं, यहीं पे मिलेंगे आप लोगों को। कोई लोग ध्यान से सुनेंगे, कुछ लोगों का ध्यान अलग अलग होगा, यार सब क्या लेक्चर मतलब, उसका ध्यान इधर उधर जाएगा, कब जाऊँ, कहाँ से फोन आएगा, मोबाइल पे जाएगा, यहाँ जाएगा उसको, ये लोग कब बुद्धि वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है जो बातें किया जा रहा है। और बहुत भटक गया, 4 साल 5 साल 10 साल साधना कर ही रहा, अटक गया, तब गुरु ने देखा नहीं है। और ये देह वाला बुद्धि है, देहात्मा मतलब शरीर वाला बुद्धि है, शरीर को छोड़ के मैटर को छोड़ के नहीं जानता है। तो लास्ट में गुरु क्या करता है उसको, नहीं इसको एक बार टच देने से ही इसको पता चलेगा। तब टच दे के वो घटना घटवा देते हैं, तब साथ ही साथ वो बदल जाता है, उसके बाद वो फिर उसका सारा प्रश्न खत्म हो जाता है। और नहीं तो किसी का तैयार हो गया, थोड़े से ऐसे ही चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और स्वतः तो मैं कहता हूँ कि आप लोग ध्यान करना है, खुद ही खुद वो सब घटना हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। और ध्यान के साथ निरंतर जब भी सेशन हो तब तक उसको ज्ञान का भी अर्जन करना है। कहीं से भी सुनो, किसी भी गुरु को सुनो, हमें सुनो, मैं किसी को नहीं मना करूँगा, जितने जहाँ पे सुनने का मन है सबको सुनो, क्योंकि मैं मना करने से भी थोड़ी मानोगे, आप लोग सुनोगे ही, अच्छा चीज़ है, सुनो भरो कहीं से भी। लेकिन हमारे जब भी मेडिटेशन का सेशन हो एक बार यहाँ पे आकर बैठ के करके देखना, क्योंकि अभी तक यहाँ पे 1 2 3 4 लोगों के आत्म संबोधि की प्राप्ति हो चुकी है, आत्म उपलब्धि हो चुकी है 4 लोगों को। और हमारे संगठन और एनजीओ के जरिए हजारों हजारों लोगों को आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में एक लहर, बुद्ध कहते थे जब वो छोड़ के जगह बौद्ध गया को छोड़ के निकलने आए, तो वहाँ के लोग कहने लगे कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो एक तरंग हूँ,
मेरी तरंग यहीं पे रहेगी। जैसे एक पत्थर को बोला फेंको नदी में और जो तरंग दूसरी ओर तक चला गया, उन्होंने कहा कि मैं उस ओर हूँ तो मेरी तरंग तुम्हारे ओर तक आएगी, मैं यहाँ हूँ तो तरंग वहीं पे जाएगी। तो ये एक तरंग, एक लहर अध्यात्म की ये हो चुकी है हमारे यहाँ पे जोरहाट में पूरे वैज्ञानिक तरीका से, जिसमें भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, हर चीज़ की विज्ञान को बताया जाएगा। कौन सी विधि किसके लिए है उसका भी देखा जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। और आप लोग देखोगे जितनी अंदर में मानसिक दुर्बलताएँ थी, धीरे 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 सबसे मुक्ति मिलना स्टार्ट, प्राप्ति ना होने से भी आप धीरे धीरे शांत होने लग जाओगे। और एक समय में तो ऐसा लगेगा कि अब मैं शांति हो ही गया, सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भी लगेगा। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान, विज्ञान, या मुझे अभी यहाँ तक जाना नहीं है, या शादी वादी कर नहीं पाऊँगा, या घर और छोड़ के भागना पड़ेगा, या कुछ भी, या मेरा ध्यान में कहीं ये समस्या हो रहा है, कुछ भी। देखो हमारे सामने यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, बुरा अच्छा व्हाट एवर यू कैन से, तर्क करना है, आर्गुमेंट करना है उसके लिए भी आप लोग बोल सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो, क्योंकि बुद्धि बहुत भटका हुआ रहता है। नहीं तो मैं यहाँ पे इनिशिएट करूँगा, इनिशिएट करने के बाद एक मिनट आप लोगों का ध्यान कराऊँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का एक ध्यान कराऊँगा। कुछ है किसी के पास प्रश्न? नहीं है यदि कोनोबाय हिंदीत बुझी पा ना आको অসমীয়াত তেনেকুৱা কিবা সেশন কৰিম তেতিয়া অকল অসমীয়াতে কম তাত মামু যদি কিবা থাকি গৈছে হ্যাঁ তেতিয়া গোটেইখিনি তুমি আকৌ বুজি পাবা যদি বুজি পোৱা নাই সম্পূৰ্ণ সেইটো অসমীয়াতে হ'ব আৰু অসমীয়াতে বুজাই দিম গোটেইখিনি কেতিয়াবা ইংলিছত দৰকাৰ হ'লে যত ইংলিছত বুজাম তিনিটা ভাষাত চেষ্টা কৰিম দিবলৈ এইটো হিন্দী আৰু অসমীয়াত ইমান ভাল নহয় যিমান মই ইংৰাজীত আছোঁ তথাপি আমি অসমত আছোঁতো অসমীয়াত হিন্দী বহুত মানুহে বুজি নাপাব সেইটো কাৰণে এইটো অসমীয়াত ক'বই লাগিব বলনা হি পাৰেগা ঠিক আছে আপোনালোক তব একবাৰ বাহাৰ হোৱাৰ জানা তো আপোনালোক আ যায় আৰু জিছকো ভি ইনিচিয়েট ইনিচিয়েট মতলব শুৰুৱাত এক ইনিচিয়েট কৰি দিয়া যায়গা আগে কি জাৰ্ণি কে লিয়ে इनिशिएट मतलब मैं आपको आपके यहाँ पे या तो मैं ऐसे छूँगा या तो ऐसे छूँगा ठीक है इनिशिएशन होगा ध्यान के आगे के लिए और याद रखना है एक बार मेरे या कोई भी गुरु के दृष्टि में आ जाने के बाद अहंकार भी नहीं बनाना है लेकिन आपका उसी दिन से बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ध्यान करना स्टार्ट कर देना आपका हर चीज़ें ठीक होने लग जाएगा सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ने लग जाएगा ओके प्लीज़ इफ़ यू वांट टू गो टू द वॉशरूम यू कैन ऑल गो टू द वॉशरूम देन यू कैन विजिट हियर यस गार्गी प्लीज़ गाइड देम वीडियो बंद कर दिया और ना लगे ध्यान और ये नालागे हाँ